हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं आई हूँ दीदी को सरप्राइज देने के लिए दिल्ली। तो उनका बर्थडे है तो मैं उनके लिए कुछ सरप्राइज प्लान की हूँ। तो प्लीज़ आप ब्लॉग पे ज़रूर बनो। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड कमेंट कर दो। आप सबको लेके चलते हैं दीदी के पास किचन में। वो किचन में कुछ बना रही है मेरे लिए। आज कुछ स्पेशल शाम में पार्टी होगी और अभी चलते देखते वो क्या बना रही है हमारे लिए। ये किचन में नहीं है फिलहाल, अभी रूम में है। बेचारी के ऑफिस भी आज तो ये हर लैपटॉप पड़ा हुआ है और यहाँ पे काम कर रही है बेचारी। बर्थडे के दिन भी तो बेचारी बर्थडे के दिन में खुद ही बना रही है। क्या बना रही होती? क्या है ये? दाल भरा पूड़ी और खीर बना है जो मैं नहीं खाती हूँ। ये मेड ही नहीं है, बेचारी को काम करना पड़ रहा अकेले। एक तो मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है, आज दीदी को खुद से बनाने का मन किया तो दीदी ने आज खुद से बनाया। ये सब देख सकते हो, ये है आपका दाल पराठा और ये खीर। तो अब हम लोग जाएंगे खाने, ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सारा बर्थडे की डेकोरेशन की सामान जमशेदपुर से ही लेकर आई थी, पता नहीं मुझे दिल्ली में कहाँ मिलता कहाँ नहीं मिलता। तो सारा कुछ लेकर आ गई, अब चलते हैं, रेडी हो जाते हैं और डेकोरेशन में लग जाते हैं। मुझे अभी अकेले ही करना पड़ेगा, उनसे ही खुलाऊँगी क्योंकि उससे मेरा भी फ़ायदा है। तो सारे बलून मैं मुँह से ही खुला रही हूँ। मेरे पास है फुलाने का ये मशीन बट मैं इससे नहीं खुला रही हूँ। बलून्स फुला चुकी हूँ, अभी और भी बाकी है। मेरे घर में भी बैठ गया है फुलाते फुलाते। मेरा सारा रेडी हो चुका बट धीरे धीरे ना एक एक करके फुटते जा रहा, पता नहीं क्यों। और दीदी ऑफिस के वजह से ना मैं वेट कर रही थी, उसकी ऑफिस ख़त्म होगी तो करूँगी। देख सकते हो पहुँच चुके हैं दीदी के लिए केक लेने के लिए ग्रेटर नोएडा के पास। यहाँ पे ही मिलेगा हमें केक। ये आई थिंक ये है, ये नहीं है। हम केक के शॉप ढूंढ ढूंढ के परेशान हो चुके हैं, जो गूगल में दिखाया वो यहाँ लोकेशन पे है ही नहीं। तो फिर हम लोग दूसरा केक शॉप देख रहे हैं। यही होता है, गूगल मैप पे कभी नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे हार्ट शेप में आई हूँ लेने के लिए केक बट मिल नहीं रहा है। तो हमारे बीच में कौन आया है? मेरी कजन सिस्टर, मामा की बेटी गौरी। आप शादी में देखे होंगे इसे। तो दी को सरप्राइज देने ये भी पहुंच चुकी है हमारे बीच और हमारा डेकोरेशन रेडी है। अब आपको लेके चलूं। टटड़ा, बस लाइट ऑन ऑफ करूंगी, यहाँ से लाइट ऑन करना है मुझे। और ये है रेडी। ये सारा मैंने डेकोरेशन किया है। अगर आपको बर्थडे में डेकोरेशन चाहिए तो मुझे हायर कर सकते हो। सब कोऑर्डिनेट कर लिए, ब्लैक ब्लैक पहन के, और मैं पहनी हूँ ब्लैक एंड ग्रे। हाँ, मेरे को भी ब्लैक चाहिए, मेरे को भी ब्लैक चाहिए। कोई कपड़े दे दो ब्लैक कलर के। सकते जीजू की सैंडो गंजी दी है मेरे को निकाल के दीदी पहनने के लिए, कुछ भी मतलब। खुद अपने इतना स्टाइल मार रही है और मुझे दे दी बेकार से कपड़े। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये रेडी हो चुके हैं और हमारा थीम था ब्लैक, तो सब ब्लैक पहन के बैठे हुए हैं यहाँ पे। बट बर्थडे गर्ल का अभी तक मेकअप खत्म नहीं हुआ है। देख सकते हो दी का केक भी आ चुका है। Happy birthday!
यमी, बहुत टेस्टी। मतलब जीजू का तो नजर बस केक पे ही है तब से। हाँ, बस केक खाने को मिल जाए। ट्रफल्स नहीं मिलेगा, वो मेरा फेवरेट है। तो कितने अच्छे से होली खेला जा रहा है केक के साथ। बहुत टेस्टी है केक। कौन सा फ्लेवर था वो? व्हाइट फॉरेस्ट। अच्छा, व्हाइट फॉरेस्ट नहीं था। ट्रफल्स इससे भी ज्यादा अच्छा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बोथ ऑफ यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरे को कोई नहीं खिला रहा। मतलब केक से ही पेट भरना है। बेचारी आज के दिन भी गिर गई गाड़ी से, एक्सीडेंट हो गया दी का। इसी रीजन से हम लोग बाहर नहीं जा पाए। हम लोग कल जाएंगे बाहर। हाय 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 बेचारी। जीजू कंपनी दीजिए। डांस करके आज तो पार्टी। गिरने के बाद इतना डांस कर रही हूँ, इतनी ज्यादा एनर्जी। हम क्यों डिनर किया जा रहा है। बाहर नहीं जा पा रहे तो घर पे ही खा रहे हैं, बेड पे ही सब खा रहे हैं। जी कुछ वाले केक खा रहे हैं सारे लोग। मैं नहीं खा रही। ये लड़की ये नोटों को पानी से धो दी है क्योंकि ये चटचट कर रहा था, आइसक्रीम इस पे गिरा दी थी इस रीजन से। देखो इस चेहरे को गौर से, ये वही चेहरा है जो पागल है।